तो आज हम जानेंगे कि ये जो अम्बा बस आर्किटेक्चर और प्रोटोकॉल जो है वो क्या है। अम्बा जो है ये क्या है ये तो हम जानेंगे ही, इसके साथ ही हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि इसके कौन कौन से वर्जन है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल होता है वो एक तरीके से स्टैंडर्ड होता है और स्टैंडर्ड जो होता है कुछ टाइम के बाद नए फीचर्स को ऐड करने के लिए और टाइम के साथ जो टेक्नोलॉजी में चेंज होता है उसे अडॉप्ट करने के लिए प्रोटोकॉल में चेंज करना पड़ता है, जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट वर्जन जो है प्रोटोकॉल के आते हैं। तो यहाँ पे अम्बा आर्किटेक्चर जो है इसके भी 5 डिफरेंट डिफरेंट वर्जन जो है डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में आए हैं, जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि वो जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है अम्बा बस आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल। तो ये अम्बा का फुल फॉर्म क्या है, तो अम्बा जो है ये इसका फुल फॉर्म है एडवांस माइक्रो कंट्रोलर बस आर्किटेक्चर। तो बस की बात करें तो बस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वायर होता है, ग्रुप ऑफ वायर्स को हम बस बोलते हैं। और ये जो एडवांस टर्म आया है, एक्चुअली ये जो प्रोटोकॉल है ये आर्म कंट्रोलर के साथ यूज करने के लिए आर्म ने डेवलप किया था। आर्म जो है अपने आप में एक आर्म लिमिटेड कंपनी है जो कि आर्म कोर पे और डिजाइन रिलेटेड वर्क जो है वो करती है। तो अब हम देखेंगे कि ये क्या है, जो हमारे पास अम्बा है ये कहाँ पे हम यूज करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि जब हमें कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर में PCI हम यूज करते हैं। PCI होता है पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तो जब हमें कंप्यूटर के साथ हार्ड डिस्क रैम को जोड़ना होता है तो हम PCI स्लॉट में लगाते हैं और वो एक्सटर्नली कनेक्ट होता है। पर हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे जब हम मोबाइल स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो उसमें दिया होता है कि क्वाड कोर है, तो सेम चिप के ऊपर सिंगल चिप में सेम सिलिकॉन रियल एस्टेट के ऊपर जब मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं और हाई स्पीड रैम होता है और UART कीबोर्ड और जो हमारे अदर स्लो पेरिफेरल होते हैं इन सब को कनेक्ट करना होता है। तो इन्हें कनेक्ट करने के लिए हम जो ग्रुप ऑफ वायर यूज करते हैं, जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं अम्बा एडवांस माइक्रो कंट्रोलर बस आर्किटेक्चर। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड बना हुआ है इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो है कि उसका इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन फिजिकल लेवल पे जो होंगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कितने बिट का होगा, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, ये चीज़ें आती है। और दूसरा चीज़ आता है कि उसका प्रोटोकॉल क्या है। तो जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि ये जो आर्म है ये एक डिजाइन हाउस है तो ये प्रोटोकॉल को जो है ये रिवाइज करता रहता है। तो यहाँ पे हम इस जो इमेज देख रहे हैं यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि DMA बस मास्टर है, हाई परफॉर्मेंस आर्म प्रोसेसर है। तो इस आर्म प्रोसेसर को क्या करना है, हमें कनेक्ट करना है, किसके साथ कनेक्ट करना है, हाई बैंडविड्थ रैम के साथ। उसके बाद हमारे पास जो स्लो पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब होता है सेकेंडरी डिवाइसेस जो हम मेन कोर के साथ यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो UART है, तो इन चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए हमें बस चाहिए। तो यहाँ पे जो बस है वो है हमारे पास AHB का मतलब होता है कि एडवांस हाई परफॉर्मेंस बस और एडवांस सिस्टम बस। ये दोनों ही अलग अलग ईयर में रिलीज हुई जो अलग अलग वर्जन के नाम है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो UART है ये काफ़ी स्लो होता है, कीबोर्ड से जब हम कुछ इनपुट देते हैं तो वो भी स्लो होता है। तो इनको ऐड करने के लिए फिर हमारे पास होते हैं एडवांस पेरिफेरल बस। एडवांस पेरिफेरल बस जो है स्लो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए स्टैंडर्ड है। तो क्योंकि इधर हाई वाले हमारे पास हैं एक साइड में, जैसे जिसमें हम ऑन चिप रैम की बात कर रहे हैं और दूसरी वाले, तो वो जो 2 डिफरेंट चीज़ है, तो ऐसे केस में जब 2 डिफरेंट स्पीड है तो एक गैप बन गया और गैप को पूरा करने के लिए हमें ब्रिज की ज़रूरत होगी जो दोनों को कनेक्ट करे। तो इसीलिए यहाँ पर हम ब्रिज को देख सकते हैं जो कि हमारे पास जो पार्ट है, एक जहाँ हाई परफॉर्मेंस बस है और दूसरी ओर जो स्लो है, इनके बीच में एक ब्रिज है। और APB का मतलब है एडवांस
पेरिफेरल बसें जो कि स्लो स्पीड को कनेक्ट करने के लिए यूज में आती है। तो एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ऑन चिप जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे हमारे पास मोबाइल है तो उसमें डीएसपी प्रोसेसर और प्रोसेसर मल्टी कोर होते हैं, तो उन सब को कनेक्ट करने के लिए ऑन चिप जिस स्टैंडर्ड को हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं अम्बा एडवांस माइक्रो कंट्रोलर बस स्ट्रक्चर। और ये जो प्रोटोकॉल है ये ओपन सोर्स में है, तो बिना किसी रॉयल्टी को पे किए हुए हम अपने डिजाइन में इसे यूज कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि जो प्रोटोकॉल है ये आर्म लिमिटेड जो है इसे बनाता है, इसे एक प्रोटोकॉल का मतलब एक स्टैंडर्ड है, तो इस स्टैंडर्ड को अलग अलग ईयर पे अलग अलग फीचर जो टाइम के साथ हमें चाहिए होते हैं उनको ऐड करना होता है और उसके हिसाब से मॉडिफाई करना होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अम्बा 1, 2, 3, 4 and 5 फाइव डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है जो कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में आए हैं। तो जो हमारे पास 1995 में सबसे पहला वर्जन अम्बा 1 आया था उसमें था ASB एंड APB। ASB का मतलब था एडवांस सिस्टम बस, APB का मतलब था एडवांस पेरिफेरल बस। तो हम इन दोनों को यूज करके जो है सिस्टम के अंदर कनेक्ट करते थे, लेकिन जो हमें और स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत हुई, तो जब हमें और स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास आया तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो ASB और AHB है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा वर्जन आया, दूसरे वर्जन में हमने क्या किया था कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लेक्सर यूज किया था। ये जो पहले वाले वर्जन थे ये जो थे बाई डायरेक्शनल थे, तो मल्टीप्लेक्सर यूज करके हमने इनका स्पीड जो है काफ़ी बढ़ा दिया। इसमें भी एक हमारे पास है AHB लाइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो होता है वो मास्टर और स्लेव के फॉर्म में होता है, तो मास्टर जो होता है जो हमारा आर्म कोर होता है वो मास्टर की तरह वर्क करता है और वो क्या करता है कि कम्युनिकेट करने के लिए सिग्नल जो है जनरेट करता है और स्लेव जो है उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो इन वर्जन में क्या हुआ कि हम AHB में कि हम मल्टीपल मास्टर को भी यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, एक साथ में मल्टीपल मास्टर हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास AHB लाइट होता है उसमें एक बार में हमारे पास में एक ही मास्टर होता है और बाकी के जो पेरिफेरल है वो एक स्लेव, बाकी जो है वो स्लेव की तरह वर्क करते हैं। तो इस तरीके से जो डिफरेंस है वो अम्बा 1 अम्बा 2 में आया। उसके बाद जो अम्बा 3 हमारे पास नेक्स्ट वर्जन है ये जो है AXI है और APB है। APB का वर्जन जो है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, एडवांस पेरिफेरल बस एडवांस, और AXI जो है ये है एडवांस एक्सटेंसिबल इंटरफेस। उसके बाद हमारे पास AS लाइट आए हुए हैं जो 2010 में फोर्थ वर्जन है, और फिफ्थ वर्जन जो है ये नेटवर्किंग और सर्वर इन सबको कनेक्ट करने के लिए होता है। तो ये अम्बा 5 जो है 2013 में आया हुआ है। तो ये जो हम संक्षिप्त रूप में देख रहे हैं इन सबको हम क्या करेंगे कि याद रखने के लिए एक साथ इकट्ठा करके नोट कर लेते हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या होगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये जो अम्बा हमारे पास है एडवांस माइक्रो कंट्रोलर बस आर्किटेक्चर, ये इसका जो हम संक्षिप्त रूप में जो हमने की यूज किया वहाँ पर कि कौन से साल में कौन कौन से जो है जन आए हुए थे, तो उनका यहाँ पे हम क्या करेंगे जी फुल फॉर्म एक बार से लिख नोट कर लेते हैं ताकि इसे लिखना आसान हो जाएगा। इसे बनाने वाली कंपनी जो है वो आर्म है, आर्म खुद में ए का मतलब है एडवांस। तो जितने भी यहाँ पे हमारे पास प्रोटोकॉल के जो संक्षिप्त रूप में है इसमें ए है, तो AHB में ए का मतलब सब जगह ए एडवांस्ड है, तो AHB एडवांस्ड हाई परफॉर्मेंस बस। APB में है एडवांस पेरिफेरल बस, पेरिफेरल का मतलब होता है सेकेंडरी डिवाइसेस जो हम किसी चीज़ के साथ अटैच करते हैं, जैसे कोर तो हमारा मेन हो गया लेकिन जो हम मेमोरी UART ऐड कर रहे हैं तो UART क्या हो गया हमारा सेकेंडरी दूसरा डिवाइस हो गया, तो पेरिफेरल का मतलब होता है दूसरे डिवाइस जो मेन को छोड़ के है। उसके बाद ATB है एडवांस ट्रेस बस, ASB एडवांस सिस्टम बस, AXI एडवांस एक्सटेंसिबल इंटरफेस, एंड AS में हमारे पास क्या है AXI से ए लिया गया है यहाँ पे कोहेरेंसी एक्सटेंशन CHI कोहेरेंट हब इंटरफेस जो है जो 2013 में 2013 में आया था अम्बा 5 जो वर्जन है लास्ट। इसमें क्या होता है कि सर्वर और जो नेटवर्किंग है सिस्टम ऑन चिप उनको नेटवर्किंग करने के लिए यूज में ले आते हैं।